यानी मनोज भाई ने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम। चार चार लाख रुपए का मेरे ऊपर लोगों ने डेबिट भी मारा है। वैसे तो चार रोटी रहता है, अब इन्होंने 10 का चावल मांगा दे दिया। मजदूर आदमी है, कहाँ से लाएगा ये? जी जी, चलो जो खिलाते हो दिल खोल के खिलाते हो, बहुत बढ़िया। बिगाड़ के छोड़ देना है सर, बिगाड़। आज मैं इस पोजीशन में जाता था, मैं कई कंपनी में, तो मुझे घुसने नहीं देते थे गार्ड, जबकि मैं उनके साथ में मालिक के ओरिएंट ग्राफ साई एक्सपोर्ट उन लोगों के साथ नेशनल लेवल पे मेरा काम, मेरे पास जेल से एक मोटर आती थी, तो कोहली साहब तक दुआ सलाम थी, कहता यार इसको जाने दे, नौकरी खा जाएगा। तो उन्होंने तीन चार जनों को आगे दिया, तो उन्होंने पहले वीडियो दिखाया, कहता है वो छोटे मोटे आदमी से खाना नहीं खाते, उसका वीडियो ये दे। मैं कहा यार मैं परेशान हो गया। दोस्तों अभी मैं नेहरू प्लेस में हूँ और आया हूँ मनोज भाई की साइकिल वाली थाली ट्राई करने के लिए। मनोज भाई और मनोज भाई की घर जैसी थाली के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आप यहाँ पर लगी हुई भीड़ देख सकते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि मनोज भाई के वायरल होने के से पहले और वायरल होने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है और इनकी थाली भी ट्राई करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम आए साइकिल वाली थाली ट्राई करने के लिए, जो मिलती है मात्र 40 रुपये में। 40 रुपये में आपको घर जैसा खाना मिलता है, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। इनकी लाइफ की स्टोरी कुछ ऐसी रही है जिसमें इन्होंने एक बिजनेसमैन होकर लाखों रुपए भी कमाए हैं और आज ये बहुत कम रिसोर्स के साथ साइकिल पर अपना फूड स्टॉल चला रहे हैं। ये अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है, जो मैंने पर्सनली नोटिस की, कि यहाँ पर कोई गरीब भूखा नहीं जाता। शायद यही वजह है कि इनके फूड स्टॉल पर अच्छी खासी भीड़ लगती है। नमस्कार मनोज भाई, कैसे हाल चाल है मनोज भाई? ठीक है सर, आपके वजह से। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, एक बात बताइए, आपके वायरल होने से पहले और वायरल होने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? पहले कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ता था, अब जो है ना सब लोग प्यार से बात करते हैं। पहले जो ना मैं किसी से प्यार से बोलता था और ना ही कोई मेरे से बोलता था, साहब घर में या कहीं भी। बस ये चीज़ें खास थी जो सीखने को मिला है आप लोग पढ़े लिखे लोगों से, कि भाई किस कस्टमर से कैसे बात करनी है, लिहाजा क्या है, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आई हैं। यानी आपको बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से? नहीं, इस चीज़ का तो सिखाया है भाई। और अच्छा। और फिर दूसरी बात है कि आज मेरे को ना यूं मुंह मुंडी उठाने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा। ऐसा रात में होता था मेरे साथ में 11 बजे के बाद में, क्योंकि ऑटो स्टैंड है और ऑटो उबल वालों की सेवा करता था। कस्टमर की मैं एक का बिके, दो का बिके, मैं बेच के चला जाता था। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहारा है। नहीं नहीं नहीं, और आशीर्वाद सहारा नहीं है, ये अच्छे इंसान जो होता है ना उसके साथ अच्छा ही होता है, ऐसा। देखिए अच्छा किसने सिखाया, आप ही लोगों ने तो सिखाया मुझे अच्छा होने के लिए। आपका सेटअप? मैं तो उजड़ आदमी था। अच्छा। कहे खेत की सुने कनिहाल की, तो वो हिसाब था मेरे साथ में, इसीलिए इतना बड़ा बिजनेस बंद करना पड़ा। नहीं, एक्चुअली ऐसा लाइफ डाउनफॉल और ना हाई ना, और चलता रहता है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर वो, लेकिन आप संभल गए, आपकी बात सही है। मैंने ये था कि मैं टेंशन में और डिप्रेशन में रहता था, पड़ा रहता था, क्योंकि कहीं भी जाता था वही उजड़ वाली बात करता था, इसीलिए किसी के पास बैठता भी नहीं था। अपने काम से, जब काम चलता था तो काम से, हाँ काम से काम को मतलब रखता था। वर्कर के ऊपर अच्छा करेगा तो भी चढ़ा रहता था, बुरा करेगा तो भी चढ़ा रहता था। उसको ये बोलता था तेरी जान प्यारी नहीं है, काम प्यारी है। मेरा मालिक मेरे को पेलता, मेरा मालिक मुझे परेशान कर रहा है। मैं आपके ऊपर कहना कहते जो है ना, मेरे को काम टाइम पे चाहिए करके भी देते थे पैसा उनको। अभी भी अगर हिसाब किताब निकालूंगा तो उनके ऊपर एडवांस निकलेगा। यानी मनोज भाई ने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम। चार चार लाख रुपये का मेरे ऊपर लोगों ने डेबिट भी मारा है कंपनियों ने, कोई दिक्कत नहीं है, लापरवाह था। जब टाइम से किसी का काम करके नहीं दूंगा, टाइम से पहुंचूंगा नहीं, अब यहाँ पे मेरे को कोई 1 बजे का टाइम है, मैं 3 बजे आके क्या करूँगा? लेकिन मनोज भाई अभी आप लापरवाही नहीं लगते, क्योंकि साइकिल पे पूरा सेटअप तैयार करके रखना, खुद से अपना खुद से खाना बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, ये लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इंतजार तो हम, अच्छा हम लोगों ने, हम लोग भी तो आप लोगों की वजह से ही तो है, ये लोग आप लोगों की वजह से ही तो है। बहुत बढ़िया। अच्छा मनोज भाई, देखिए सर, एक फादर ने गाड़ी लेके दी है बेटे को, बेटा ये नहीं कहता मेरे फादर की है, बोलेगा मेरी है ना, तो बस वही चीज़ है। आप लोगों की वजह से ये लोग हैं और इन लोगों की वजह से मैं हूँ। बहुत बढ़िया मनोज भाई। मनोज भाई आप अपना सेटअप दिखा दीजिए, क्या क्या रखा है, क्या क्या लेके आए हैं भैया? ये आज कड़ी है, ये दूसरा डिब्बा लगाया। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा सर, ये कड़ी है, इसको मैंने 5:22 पे रखा था। अच्छा। और 7:45 उतारा है सुबह मॉर्निंग में, 5 बजे वहाँ चलाता था। आप उठते कितने बजे? सर मैं 4:30 उठ जाता हूँ सर। मेहनत बहुत है आपकी। मेहनत कुछ नहीं है, पानी भरना होता है, ताज़ा पानी भरना होता है। ये देखिए सर, ये पकोड़े ख़राब हो गए। हाँ। तो मतलब छोटे छोटे हो गए, मैंने कहा किसी को होगा तो किसी को दे देंगे, ये डालने का दिल नहीं था। अच्छा अच्छा। तो बस सब कोई एक मांग रहा है, दो मांग रहा है, कोई बड़ा पकौड़ा है तो आधा करके दे दे रहे हैं। हाँ। तू भी खुश भाई, दूसरा भी खुश है, क्या करें सर। और क्या लेके आए हैं सर? सर मैं दिखाता हूँ, बगैर प्याज के बनी हुई है सर। क्या बात है, मतलब कड़ी भी बगैर प्याज के बनाई है सर। ये तो बिल्कुल घर जैसी दाल लग रही है मनोज सर। और सर ये रायता है, ये देखेंगे आप, ये रायता है,
अरे यार उन बच्चों को तो भैया को खाना देना था यार, ये रायता है सर जी, बहुत बढ़िया। ये रायता है सर, इसके अंदर मैंने दही डाली है और 10-6 पैकेट मैंने वो डाले हैं आपका, नहीं वो जो रायता लस्सी होती है वो लस्सी लस्सी। हाँ जी जी सर, ये जो है चावल है, इसके अंदर सोयाबीन डाला हुआ है, मतलब नॉर्मल चावल नहीं है इसके, नहीं सर आपने वेजिटेबल। हाँ जी हाँ जी, आलू डालना बंद कर दिया सर, गाजर डाली है और सोयाबीन है, मटर है सर। ओके, ये दूसरा डब्बा आप लोगों की वजह से लगा। अच्छा, एक थाली में क्या 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 देते हैं? वैसे तो 4 रोटी रहता है, अब इन्होंने 10 का चावल मांगा दे दिया, मजदूर आदमी है कहाँ से लाएगा ये। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ये सर बैंगन का भरता है सर, देखेंगे। वाह वाह। हाँ जी, और बगैर प्याज का बना हुआ है सर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सर। जो भी है ये पूरा डिब्बा भर के लाया था, सबको बांटता चला गया, अभी जो है ना बस रह गया है थोड़ा सा, आज लेट आया नहीं तो जल्दी ख़त्म हो जाता, और किसी को पैकिंग में भी नहीं दिया, यहाँ जो खाने वाला है उसी को दे देता टेस्ट के लिए। अभी सर अरबी के लिए बोला हुआ है। अच्छा, अरबी तल के बनाऊंगा, अब लाएंगे सर मैं, मतलब चेंज करते रहते हैं आप, एक जैसा नहीं रखते। जैसे शुक्रवार को मैं शाही पनीर लाया था, ये है जी, लगा दीजिए। बनाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, इसी वजह से मैं थोड़ा कड़ी को ना मैं 10-12 दिन में लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, 10-12 दिन में, यानी कि हम तो बहुत लकी हो गए, हमें कड़ी मिल जाएगी खाने के लिए। मैं ये सोचता हूँ इससे अच्छा मैं अभी पूछिए, शुक्रवार को मैं शाही पनीर लाया इसी रेट में दिल खोल के खिलाया, क्या वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बोले जो खिलाते हो दिल खोल के खिलाते हो, बहुत बढ़िया। बिगाड़ के छोड़ देना है सर, बिगाड़ सही है, मैं बिगड़ा हुआ था आप लोगों को बिगाड़। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अचार ले आया था, अचार हो गया ख़त्म। अच्छा, अब वो सर मैं पीजी में देता हूँ जैसे ना, वो 580 रुपये का 5 किलो लाया था, या 6 दिन चला अचार, बढ़िया है सर। वो मैं ये नहीं कि कोई जो 20-25 रुपये वाला पाव का लेके आता, मैं नहीं लाता, मेरा पीजी में चला जाता है सर। पीजी में चला जाता है, वहाँ पे भी आप खाना सप्लाई करते हैं? के पास में अभी आप जैसे कोई थे तो उन मालिक का पीजी है, वो खाना नहीं देते, पड़ोस में ही है, तो उन्होंने दिया तो बच्चों को खाना सब पसंद आया, तो उन्होंने 3-4 जनों को आगे दिया, तो उन्होंने पहले वीडियो दिखाया, कहता है वो छोटे मोटे आदमी से खाना नहीं खाते, उसका वीडियो ये दे। मैं कहा यार मैं परेशान हो गया, फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा सर मैं थोड़ा दूर में ना आपको ले जाना लाने के लिए वो लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मेरे हाथ में काम लगा होता है। जी जी ठीक है सर, जैसी जिसकी गुंजाइश, क्या करेंगे सर, पैसे से किसका भला हुआ है, किसी का भी तो भला नहीं हुआ पैसे से। जी बस पैसा एक मजबूरी है, मेरी माँ यही कहती थी कि पैसा बेटा एक ज़रूरत है। लेकिन मैं मनोज भाई मैं आपको ऐसे चढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है आपका, जैसे कपड़ों में सादगी है ना, आपकी बातों में भी वैसी ही सादगी है, जो है वो आप बोल रहे हैं एक्चुअल में सर जी। नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए इस चीज़ का फर्क पड़ता है पहनावे का। फादर ने बेटे को गाड़ी लेके दी है, बेटा ये नहीं कहता मेरे फादर की है, बोलता मेरी है, बोलता है ना। अब आप पर्सनैलिटी में है, इधर रावण की बात करता हूँ और इधर आपकी बात करता हूँ, या कोई भी है। रावण जब सीता को हरने गया, आपके लिए रावण जब सीता को हरने गया, उसने फकीर वाले चोले पहने थे। अब वो राजा महाराजा के भी पहन सकता था, पहन सकता था, नहीं पहन सकता था ये, लेकिन उसको ये क्या चाहिए तुझे, लगा रहा एक मिनट। अब वो राजा महाराजा के पहन सकता था, नहीं पहना उसने, क्योंकि उसे पता था कि मेरे को ये पहचान ले गई, कि मुझे भीख मिलेगी नहीं और मेरा उद्धार होगा नहीं। ठीक है जी, अब आप हैं, आपने इतनी बड़ी पढ़ाई करी है, इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचे हैं, ये तो आपका जिगरा जानता है ना, आप बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं, होंडा सिटी से चल रहे हैं या मारुति से चल रहे हैं, कि आपने किस तरीके वो गाड़ी ली है, किस तरीके मकान बनाया, किस तरीके आपने पढ़ाई करी। हम तो सोचेंगे नहीं यार साहब की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, 50,000 कमा रहे, बैंक अगर मैं बैंक में जाऊँ इस पहनावे में तो मुझे लोन नहीं देगा। ये भी है एक परसेप्शन, ये भी ये सर जी ये जरूरी भी है, चमक धमक ने इतिहास बदला था, इतिहास वो है। आज मैं इस पोजीशन में जाता था, मैं कई कंपनी में, तो मुझे घुसने नहीं देते थे गार्ड, जबकि मैं उनके साथ में मालिक के ओरिएंट ग्राफ्स आई एक्सपोर्ट, उन लोगों के साथ नेशनल लेवल पे मेरा काम, मेरे पास जेल से एक मोटर आती थी, मेरे को देखता था, कहता कंपनी में हम लोग शेविंग के, महंगाई भत्ते के, खाने के, ओवर टाइम के, सबके पैसे देते हैं, तेरे को बेटा मैं गेट से यहीं तक जाने दूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा, टिपटा बन के रहकर। मैं कहा मैं नहीं बन सकता, मैं काम छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता। तो कोहली साहब तक दुआ सलाम थी, कहता यार इसको जाने दे नौकरी खा जाएगा। आरबी के रिटर्न रखते थे वो लोग, गार्ड जो थे ना, फौजी अफसर आईजी वाजी वो सब रखते थे। तो ये चीज़ें थी, वायर भी इन चीज़ों को भी देखता है सर। हेलो, ले बेटा ले, ये ले यार, रुक जा यार, किसको देना ये रोटी, ये आपकी है सर, आप ले लीजिए, आप भूल गए, फ्री हो जाओ सर, माफी चाहो, गया एक मिनट तैयार हो गया। ये देखो मेरे कितने ईमानदार आदमी है, 20 मिनट खड़ा रहा पैसे के लिए, चला जा सकता था। ये कस्टमर देखो डेली खाता है, 20 मिनट खड़े रहे पैसे देने के लिए, ऐसे कई आदमी हैं, चला जा सकता था।
और चले जाते हैं, आपने भी देखा होगा चले जाते हैं, कोई बात नहीं साहब, देन ऊपर वाले के देने में कोई कमी नहीं है, संभालने में कमी है इंसान के, ये जीवन नहीं संभाल पाते। बहुत बढ़िया मनोज भाई, बहुत बढ़िया। अब ये अपनी थाली तैयार है मनोज भाई? हाँ जी सर। ये हमें एक दिव्यांग मिले हैं जो यहाँ का खाना, इनकी थाली ट्राई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का टेस्ट भैया जी? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। यस। अच्छा, आप हमेशा यहाँ पे आके खाते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा लगता है, बिल्कुल घर जैसा लगता है। हाँ जी। तो टेस्ट कर रहा हूँ मनोज भाई की घर की थाली, और आपको बताता हूँ कैसा इनका टेस्ट। ये देखिए, चपाती दी है, ये दाल है, राइस हैं, कड़ी है, और इनका बैगन का भरता। टेस्ट कर लेता हूँ भैया, बताता हूँ। ये कड़ी से ट्राई कर लिया है, बैगन के भरते से ट्राई कर लेता हूँ। बैगन का भरता हो तो खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, टेस्ट कैसा होगा वो आपको बताता हूँ। दोनों आइटम ट्राई किए हैं, बिल्कुल आपको घर जैसा स्वाद लगेगा, बहुत बढ़िया। ये इनकी दाल ट्राई कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया, बिना लहसुन बिना प्याज की बहुत सुपर दाल है, और मेन चीज़ है बहुत हल्का है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा इनका खाना खाने के बाद आपको। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो नेहरू प्लेस मार्केट है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बहुत बड़ी मार्केट है। लोग दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बाहर से भी लोग आते हैं, जिनको बाहर का अलाउ नहीं है, जो तला भुना नहीं खा सकते ना, उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट थाली है, बहुत इकोनॉमिकल थाली है इनकी। ये मात्र 40 रुपये में आपको घर जैसा खाना मिलेगा। भैया एक बार इनके कढ़ी चावल ट्राई कर लेता हूँ, बहुत टेस्ट अच्छा है इसका, और राइस भी ऐसे नहीं है, राइस में भी वेजिटेबल आया है, सोया चंक्स है इसमें, बहुत बढ़िया, आलू नहीं है बस, बहुत बढ़िया। प्लाव टाइप में है, प्लाव नहीं कह सकते, लेकिन बस नॉर्मल राइस नहीं है, वेजिटेबल ऐड है। मेरे को ऑल एंड ऑल इनकी थाली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, 40 रुपए में और क्या आता है यार, किसी के पास बजट नहीं है तो वो एटलीस्ट यहाँ पे आकर अपना पेट तो भर सकता है। मेरे को बहुत 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 बढ़िया इकोनॉमी की थाली है, मनोज भाई को फुल ऑन थम्स अप है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खाने मेन चीज़ है, लोग यहाँ पे आके खा के जाते हैं, और उनका दिल खुश हो जाता है इनकी थाली खाकर, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो का एड मैं यहीं पर करता हूँ, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।